हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचपी का M1136 प्रिंटर है, तो इसमें पेपर जाम और लाइट प्रिंट दोनों दिक्कत आ रही है। तो आज इसकी कंप्लीट सर्विस करेंगे, इसकी फुल सर्विस करेंगे। तो इस पर सबसे पहले तो साइड के कवर को हटा लेंगे। इस तरह से साइड का कवर खुल जाएगा और फिर जो दूसरी साइड का कवर है इसको भी इस तरह से खोल लेंगे। और फिर जो इसका पैनल है इसको हटाएंगे। पहले तो इस पैनल के नीचे इस साइड के कवर का लॉक दबा रहता है, तो इसके लिए पहले पैनल को खोल लेंगे। यहाँ से इस तरह से पैनल को खोल के इस लॉक को निकाल देंगे। यहाँ से तो इस तरह से लॉक निकल जाएगा और फिर इस कवर के नीचे के लॉक को भी इस तरह से हटाएंगे और इसको साइड के कवर को इस तरह से हटा लेंगे। इसके बाद जो ये पैनल है इस पैनल की केबल को निकाल कर पैनल को बाहर रख देंगे। इस तरह से हटा लेंगे यहाँ से। और फिर इसके बाद जो इसका हिंज है यहाँ से इस पिन को निकाल लेंगे और ये स्प्रिंग इस तरह से निकल जाएगी। इसका इसके अंदर इस तरह से फ्री हो चुका है। अब इसके जो इसके अंदर की केबल है इसको यहाँ से निकाल देंगे और इस तरह से केबल को भी बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर को हटा कर रख देंगे साइड में। फिर इसके बाद जो इसका ऊपर का एक कवर है फ्रंट कवर, इसका जो यहाँ पर काटे लगाते हैं इस कवर के यहाँ पर ये लॉक रहता है, इसको भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से कवर हट जाएगा यहाँ से। और फिर जो इसके बाद जो आगे वाला कवर है इसको भी यहाँ पर लॉक रहते हैं, तो इस तरह से इसको भी खोल लेंगे और ऊपर भी यहाँ पर लॉक रहते हैं, तो इस तरह से लॉकों को फ्री कर लेंगे। तो आगे वाला कवर भी इस तरह से हट जाएगा। अब इसके बाद जो ऊपर का जो इसका ये कवर है तो इसको ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, तो इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू को खोल कर इस कवर को बैठा लेंगे यहाँ से। इस तरह से कवर भी यहाँ से हट जाएगा। और इसके बाद जो इसका पीछे वाली प्लेट है इस पर भी यहाँ पर स्क्रू है, तो इनको भी खोलेंगे और इस प्लेट को भी। और प्लेट के अलावा इसमें एक और ये चीज़ लगी हुई है, इसको भी यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से जो ऊपर का जो इसका चर्चिस है और इस पर टिकता है, तो इस तरह से इस प्लेट को खोल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर लॉक रहती है, इस तरह से खोलेंगे तो प्लेट हट जाएगी। फिर जो इसका यहाँ पर एक स्क्रू और है इसको भी हटा लेंगे। अब इसके बाद इसका जो ये मेन लॉजिक कार्ड है जिस चेचिस पे ये टिका हुआ है इसको खोलेंगे। तो इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इसमें दो स्क्रू आगे की साइड पर भी है, तो इनको भी खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू को खोलने के बाद
इसकी एक लोगो डालेंगे। ये इस तरह से पूरी प्लेट ही खुल जाएगी, तो इसको हटा कर रख देंगे साइड में। और इसके बाद जो इसका फ्यूजर है, तो इसकी फ्यूजर की जो केबल है सभी केबलों को डालेंगे, जो सेंसर केबल है, फ्यूजर की केबल है, सभी केबलों को यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से केबल को निकालने के बाद इसमें एक सेंसर की केबल, ये जो अर्थिंग वाली केबल है, अर्थिंग वाली केबल को भी इस तरह से बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, और इसको भी इस तरह से फ्री कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद में केबलों को भी निकाल कर फ्री कर लेते हैं, और फिर जो यहाँ पर ये लॉक है, और इस लॉक को निकालेंगे। इस तरह से लॉक निकल जाएगा, और इसके बाद इस लॉक के नीचे स्क्रू है, ये वाला स्क्रू, तो इस स्क्रू को खोल लेंगे। और फिर जो दूसरी साइड पर भी स्क्रू है, एक तो ऊपर स्क्रू है, एक अंदर है, तो इन दोनों स्क्रू को भी खोल लेंगे। दोनों स्क्रू खुलने के बाद इस तरह से इसके फ्यूजर, जो टेफ्लोन वाला प्रेशर रोलर वाला हिस्सा है, पूरा बाहर निकल जाएगा। अब इसके जो ऊपर ये प्लेट लगी हुई है, इसको हटाएंगे, तो यहाँ के दोनों स्क्रू खोल लेंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू खोल कर इसको इस तरह से हटा लेंगे यहाँ से। तो ये निकल चुकी है, और फिर जो इसमें साइड में स्प्रिंग और ये लॉक, स्प्रिंग लॉक हो रही है, तो उसको हटाएंगे। तो सबसे पहले तो इस केबल को हटा लेते हैं, और फिर जो ये स्प्रिंग है इसको यहाँ से लॉक हो रही है, तो इसको निकाल लेंगे, लॉक से निकाल लेंगे इसको। इस तरह से निकल जाएगी, और इस साइड पर भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से निकल चुकी है, तो ये टेफ्लॉन इसकी इस तरह से बाहर निकल जाएगी पूरी, फ्यूजर इसका। तो इसकी कंडीशन वैसे ठीक लग रही है, और प्रेशर रोलर की कंडीशन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये काला काला चिपका हुआ है, देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर काला काला लगा हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे इसकी, जो ये जमा हुआ है इसमें काला काला। देखिए इसके कारण पेपर जाम हो जाता है, इसमें चिपक रहा है पेपर, इस पर चिपक जाता है। तो इसको साफ कर लेते हैं इस तरह से। अच्छी तरह साफ कर लेंगे इसको, और ये देखिए दोस्तों कंप्लीट साफ हो चुका है। अब इसको वापस इसमें सेट करेंगे,
और जो इसकी टेबल ऑन है इसको भी साफ कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर ये काला काला लग रहा है दोनों साइड पे। तो दोस्तों ये टेफ्लॉन खराब हो चुकी है साफ करने के चक्कर में, यहाँ से थोड़ा ये घिस चुका है, तो इस टेफ्लॉन को ही चेंज कर लेते हैं। तो इसकी टेफ्लॉन को पुराने वाले टेफ्लॉन को तो निकाल लेंगे। और जो इसके अंदर का जो पुराना ग्रीस लगा हुआ है इसमें, तो इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और इसमें लगाएंगे नया ग्रीस और फिर लगाएंगे इस टेफ्लॉन को। तो ये टेफ्लॉन वाला ग्रीस है, इसको इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और इसके चारों तरफ लगा लेंगे इसको। इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस लगाएंगे। और फिर इस नई टेफ्लॉन को इसमें सेट करेंगे। और इस तरह से इसको इसमें लगा देंगे। इस तरह से सेट हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ा ग्रीस निकला है, तो इसको भी इस तरह से साफ करके फिर इसके पर्च का जो लॉक है इसको साफ करके इस पे लगा देंगे। इस तरह से यहाँ लगा देंगे ग्रीस और फिर इसको टेफ्लॉन को लॉक करेंगे। तो इस लॉक को यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से ये लॉक हो जाएगी। इसको इस तरह से घुमा कर चेक कर लेंगे फोनी टेफ्लॉन इसकी। अब इसको वापस सेट करेंगे। तो इसको इस तरह से सेट कर देंगे यहाँ पर, और जो इसकी लॉक और इसकी स्प्रिंग खोली थी इन लॉकों को इस तरह से वापस लॉक करके और वापस स्प्रिंग को भी लॉक कर देंगे। और इस साइड पर भी इस लॉक को लगाएंगे। और इस स्प्रिंग को भी यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ये टेफ्लॉन कंप्लीट डल चुकी है।
अब इसका जो ऊपर का कवर है इस कवर को भी लगा देंगे। यहाँ का ये खिलाड़ी निकल चुके हैं तो इसको अच्छी तरह सेट करेंगे और फिर इसको वापस इस तरह से सेट करके और इसके दोनों स्क्रू कर देंगे। इस तरह से ही सेट हो चुका है, अब इसको वापस सेट करेंगे। तो पहले इस केबल को यहाँ सेट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको सेट करेंगे इसमें। अब दोस्तों इसका जो लेजर इसके अंदर है इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो यहाँ से इसके लेजर इसके अंदर के ऊपर जो कवर है लोहे की प्लेट का, तो इसके सभी स्क्रू खोल के इसको लेजर इसके अंदर को बाहर निकाल कर अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे इसकी। इस तरह से इसको खोल लेंगे और फिर इस लेजर इसके अंदर पर भी स्क्रू कसे हुए हैं तो इसके चारों स्क्रू खोल कर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये लेजर इसके अंदर बाहर निकल जाएगा इसका और इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे इसको खोल कर। इस पर जो लेंस है इन पर डस्ट जम जाती है इसके कारण से,
प्रिंट क्वालिटी में दिक्कत आती है, क्वालिटी भी बिल्कुल लाइट आने लग जाती है। तो इस तरह से यहाँ लोगों को डालेंगे और इस जो लेंस पर देखिए दोस्तों कितनी डस्ट जमी हुई इसमें, तो इस डस्ट को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो इसको ब्रश से इस तरह से सभी को साफ करके ब्लोअर से हवा लगा लेंगे और इसके अच्छी तरह से सफाई कर वापस इसको पैक कर देंगे। तो ये सफाई कंप्लीट हो चुकी है इसकी। इसको इस तरह से वापस पैक करके और इसमें सेट करेंगे। तो पहले तो इसकी केबल को लगा देंगे यहाँ पर और इस तरह से सेट करके इस साइड की केबल को भी लगा देंगे और फिर स्क्रू कस देंगे इसके, ये चारों स्क्रू कस देंगे।
कंप्यूटर से प्रिंट निकाल कर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब कंप्यूटर से प्रिंट आ रही है इसमें, तो ये कंप्यूटर से प्रिंट आ चुकी है। और देखिए दोस्तों, क्वालिटी शानदार क्वालिटी में प्रिंट आ गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने इस प्रिंटर की कंप्लीट सर्विस की है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर जो इसमें जो आधार नंबर, इसकी जेरोक्स भी निकाल कर चेक कर लेंगे।